वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। अनिल देशमुख को नियम के तहत किया गया गिरफ्तार, कृष्णा खोपड़े ने गिरफ्तारी पर कहा। महापौर दयाशंकर तिवारी के प्रयास से स्वास्थ्यवर्धनी योजना नागपुर में होगी शुरू। और भाजपा ने महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ किया आंदोलन, उग्र भाजपा नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। और अब खबरें विस्तार से। विधायक कृष्णा खोपड़े ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के गिरफ्तारी पर कहा कि ईडी ने जो भी कार्रवाई की वो नियम के अनुसार ही की गई है, ये बात एनसीपी नेताओं को समझ में आनी चाहिए। 100 करोड़ वसूली मामले में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के कार्यालय में पेश हुए थे। इस दौरान उनसे 14 से 15 घंटे पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि ईडी ने जो भी कार्रवाई की वो नियम के अनुसार ही की है। यह बात नवाब मलिक संजय राउत के समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ईडी किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करती है। अनिल देशमुख हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सीनियर नेते आहे, राज्याचे गृहमंत्री आहे, आणि ज्यावेळेस त्यांच्यावर परमवीर सिंगाने जो आरोप लावले, अगर त्याच वेळेस त्यांनी अगर खुलासा केला असता ईडी समोर त्याच वेळेस ते गेले असते, तर शायद ही बाब आतापर्यंत संपली असत। परंतु लगातार 4 महिने ते फरार राहिले, हे राज्याचं दुर्भाग्य आहे का गृहमंत्री फरार होते। मग त्यांनी हायकोर्ट असेल, सुप्रीम कोर्ट असेल, असा सगळीकडे त्यांनी प्रयत्न केला, परंतु त्यांना कुठेही यश मिळालं नाही। काल रात्री ते ईडीपुढे पुन्हा पेश झाले आणि जी काही नियमाप्रमाणे प्रक्रिया असेल ते होईल। परंतु राज्यामध्ये जेव्हा 2 वर्षापासून ही आघाडी सरकार आली आहे, एकूण एक मंत्री या भ्रष्टाचाराच्या लपेट्यामध्ये धीरे धीरे येत आहे। विकासाच्या नावावर ही सरकार जिरो ठरली आहे, कसल्याही प्रकारचे कामं या राज्यामध्ये होत नाही आहे। आणि संपूर्णपणे तुम्ही पाहिलं असेल तर हे सरकार सगळ्या क्षेत्रामध्ये फेल ठरली आहे आणि भ्रष्टाचारामध्ये खंडणीमध्ये हे पहिल्या नंबरवर आली आहे। आणि म्हणून ज्या प्रकारे या राज्यामध्ये रोज काही ना काही भानगडी सुरू आहे, आणि आज अनिल देशमुख साहेबावर जी कारवाई झाली आहे, आज त्यांना कोर्टात पेश करेल। जी काही प्रोसिजर असेल, जी काही नियमाप्रमाणे असेल, ते निश्चित स्वरूपात कारवाई होईल। आणि त्यांचे अगर सत्य असेल तर ते बाहेर येईल, काही चुका केल्या असेल तर त्यांना सजा होईल। लोकसभा आणि विधानसभेच्या पोटनिवडणुका झाल्या आणि आज त्याचे रिझल्ट बहुतेक आज घोषित होणार आहे। आता सुरुवात मतमोजणीची झाली आहे, परंतु ज्या ज्या ठिकाणी निवडणुका झाल्या, लोकसभा असेल किंवा विधानसभा असेल, या दोन्ही क्षेत्रामध्ये सरकारच्या विरुद्ध एक वातावरण तयार होतं, सरकारच्या विरुद्ध लोकांची लढाई होती, आणि या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला यश मिळेल अशी आमची। नागपूर शहर के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की स्वास्थ्य वर्धनी योजना नागपुर शहर में लागू करने के लिए मंजूरी मिल गई है।
महापौर दयाशंकर तिवारी के प्रयास से नागपुर शहर में अब स्वास्थ्य वर्धिनी योजना का लाभ नागरिकों को मिलेगा। इस योजना के तहत शहर के 30 वर्ष से अधिक मधुमेह और बीपी के मरीजों को निःशुल्क दवाइयां दी जाएंगी। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य वर्धिनी योजना का शुभारंभ दिवाली के पंचमी से प्रभाग 19 में किया जाएगा। ऐसी जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। नमस्कार, सभी नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आज दीपावली का पहला दिन जिसे हम लोग धनतेरस के रूप में मनाते हैं और धन त्रयोदशी को ही भगवान धन्वंतरी का दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। भगवान धन्वंतरी अर्थात जिन्होंने आयुर्वेद को जन्म दिया, जिन्होंने मेडिकल साइंस को, आयुर्विज्ञान को जन्म दिया। ऐसी किंवदंती है कि समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था वो अमृत धन्वंतरी जी के पास दिया गया और उन्होंने औषधियों के माध्यम से नागरिकों के जीवन तक उस अमृत को पहुंचाने का कार्य किया। आज धन्वंतरी जयंती के पावन प्रसंग पर नागपुर महानगर पालिका ने भी आरोग्य की दृष्टि से कुछ नया कदम उठाना चाहिए ऐसा मानस है। इस दृष्टि से नागपुर महानगर पालिका आज दो बड़े काम करने जा रही है। पहला कार्य तो यह है कि मैं जिस दिन महापौर बना था उस दिन मैंने घोषणा की थी कि नागपुर शहर में 75 वंदे मातरम जन स्वास्थ्य केंद्र हम बनाएंगे और पहला जन स्वास्थ्य केंद्र जो है उसकी शुरुआत आज केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी इनके शुभ हस्ते भूषण खोरी नाम की पश्चिम नागपुर में एक बड़ी स्लम है उस स्लम में हम उसका उद्घाटन नितिन जी के हाथ से आज कराने जा रहे हैं और यह वंदे मातरम का आज पहला उद्घाटन होगा और दीपावली के 10 दिन के अंदर हम करीब करीब 25 वंदे मातरम हॉस्पिटल प्रारंभ हो जाए इस दिशा में कार्य करेंगे। दीपावली के समय एक अवकाश का कार्यकाल होता है, इस दृष्टि से दीपावली के एक माह के अंदर 25 हॉस्पिटल हम शुरू करेंगे। आज धन्वंतरी जयंती के पावन प्रसंग पर महानगर पालिका नागरिकों के दृष्टि से और एक बात की घोषणा कर रही है। केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है आरोग्यवर्धनी और यह आरोग्यवर्धनी योजना ग्रामीण भागों में और शहरी भागों में जो केंद्र सरकार का हेल्थ मिशन चलता है, ग्रामीण में रूरल हेल्थ मिशन चलता है, शहरी में अर्बन हेल्थ मिशन चलता है। इस शहरी नागरिक सुविधा को उपलब्ध कराने की जो स्वास्थ्य की योजना है उस योजना में नागपुर महानगर पालिका के लिए आरोग्यवर्धनी की मंजूरी महापौर बनने के बाद हमने शासन से दिलवा दी। अब इस योजना के अंतर्गत एक योजना इस प्रकार से है कि शहर का कोई भी ऐसा बासिंदा जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर है उस व्यक्ति को अगर डायबिटीज की और हाइपरटेंशन की बीमारी होती है तो उसे निशुल्क औषधि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। केंद्र सरकार ने योजना बना दी, उस योजना को नागपुर में लागू करना है और नागपुर में लागू करते समय उन्होंने उसका एक पैरामीटर फिक्स किया। पैरामीटर यह है कि जो संस्था इसको लागू करेगी वह एग्जीक्यूशन करने वाली संस्था जो है वह पेशेंट की स्क्रीनिंग करेगी और उसका डायबिटीज और बीपी चेकअप करेगी, उसकी मॉनिटरिंग करेगी, उस अनुरूप उसको दवाई दी जाएगी करके। अब इसलिए पूरे शहर की स्क्रीनिंग करना आवश्यक है, एक साथ तो नहीं हो सकता है, इसलिए एक प्रभाग से हम शुरू कर रहे हैं। आज हमने इसकी घोषणा की। पंचमी के दिन से हम नागपुर शहर का जो हमारा महल झोन है उस महल झोन का जो प्रभाग 19 है जिसमें गांधी बाग, इतवारी महल, चितारोली, मैक्सिमम स्लम भाग जिसमें आता है उस भाग से, उस प्रभाग से हम इसकी शुरुआत करेंगे। एक माह में मेहनत करके इस प्रभाग के समस्त परिवारों की स्क्रीनिंग करेंगे और उस वार्ड के रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को हम लोग निशुल्क डायबिटीज़ की और हाइपरटेंशन की दवाई देंगे। एक बात का और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नागपुर शहर में रहने वाला हर वो सीनियर सिटीज़न जिसके पास में सीनियर सिटीजन का कार्ड है वो नागपुर महानगर पालिका के किसी भी PHC में जाकर के अपने डॉक्टर की स्क्रीनिंग का पत्र लेकर के डायबिटीज और हाइपरटेंशन की दवाई ले तो उसे भी निशुल्क उपलब्ध कराने की बात आज से हम लोग निर्णय के रूप में कर रहे हैं। आप सभी लोग महानगर पालिका के इस जनाभिमुख निर्णय में सहयोग दीजिए, आपके घर स्क्रीनिंग कराने आए तो उसको सहयोग दे करके संपूर्ण परिवार की जो 30 वर्ष ऊपर उसकी स्क्रीनिंग करा ले। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बिल्कुल निरोगी रहे
लेकिन अगर आपको बीमारी निकलती है तो आपके लिए इन दोनों बीमारियों की दवाइयां महानगर पालिका निःशुल्क देने की तैयारी कर रही है। आप हमें सहयोग करें और आप सभी इस योजना का लाभ लें। इसलिए आप सभी को पुनश्च दीपावली की हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की मांगों के लिए भाजपा ने सड़क पर उतरकर महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को उग्र होते देख पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। फिर भी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी जारी थी। शेतकरी विरोधी सरकार मुर्दाबाद, शेतकरी विरोधी सरकार मुर्दाबाद, महावसुली आघाडी सरकार मुर्दाबाद, बोगस आघाडी सरकार मुर्दाबाद। असं आहे हे जे आहे हे एक शेतकऱ्यांचं। अरे अरे भाऊ खालून जाणार। पहिला किसानों की मांगे पूरी हो इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की ओर से नागपुर में मुख्यमंत्री आवास के सामने आंदोलन किया गया। इस दौरान उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिवाली आ गई है लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार ने अब तक किसानों को नुकसानग्रस्त फसल का मुआवजा नहीं दिया है। ऐसे में किसानों की दिवाली इस बार काली रहेगी। इसी के विरोध में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्हें उग्र होता देख पुलिस ने हिरासत में लिया। फिर भी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी जारी थी। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और भाजपा नेता पदाधिकारी उपस्थित थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उपचुनाव में बीजेपी को मिले हार पर कहा कि जनता ने बीजेपी का चेहरा पहचान लिया है, इसलिए बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस उम्मीदवार ने बहुमत से जीत हासिल की। पोट निवडणुकी मध्ये आपण पाहिलं की ज्या पद्धतीने बीजेपीने पंढरपूर मध्ये शिवसेनेच्याच उमेदवाराला घेऊन जो प्रयोग केला होता, आजही आपण देगलूरच्या निवडणुकीत पाहिलं की तो शिवसेनेच्याच उमेदवाराला घेऊन अजून एक प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। पण बीजेपीचं खरं चेहरा आज लोकांच्या समोर आलेलं आहे आणि म्हणून महाविकास आघाडीचा काँग्रेसचा उमेदवार बहुमतान निवडून येत आहे। लोकांमध्ये बीजेपीच्या बद्दलची तीव्र चीड या माध्यमातून लोक मतदानाच्या माध्यमातून प्रदर्शित करतात। अमरावती के रघुवीर मिठाई प्रतिष्ठान पर हर साल दिवाली पर कई मिठाइयां बनाते हैं। इस साल भी उन्होंने 11,000 किलो की सोने का मुलामा वाली स्वर्ण कलश मिठाई बनाई है और ये मिठाई खरीदने के लिए ग्राहकों की दुकान में भीड़ लग रही है। अमरावती शहर के बडनेरा रोड पर रघुवीर प्रतिष्ठान ने शुद्ध 24 कैरेट सोने का मुलामा देकर ड्राई फ्रूट के माध्यम से स्वर्ण कलश मिठाई बनाई है। इस मिठाई को खरीदने आने वाले ग्राहकों को 24 कैरेट सोने का प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। 11,000 किलो की सोने का मुलामा वाली स्वर्ण कलश मिठाई खरीदने के लिए ग्राहकों की दुकान में भीड़ लग रही है। महंगाई के दौर में भी लोग महंगी मिठाई खरीदने आ रहे हैं, यह खास बात है। आमच्या असंख्य ग्राहकांना दिवाळीची हार्दिक शुभकामना। जसं की रघुवीर परिवार दरवर्षी काही ना काही नवीन मिठाईचा रेंज विदर्भवासीसाठी देत असतात, यावर्षी स्वर्ण कलश ही मिठाई विदर्भवासीसाठी ठेवली आहे। त्याची खासियत ही आहे की ते सोन्याच्या वर्कमधून बनलेली ती मिठाई आहे। 24 कॅरेट 99.9 असा हे त्याचा वर्कनं बनवलेली ही मिठाई एकदम सुंदरपैकी बनवलेली आहे आणि मामरा बदाम, शुद्ध केसर आणि पिस्ता याच्यावरून ही मिठाई बनवलेली आहे। रघुवीर परिवार काही ना काही वेगळं करून विदर्भवासीसाठी देत असतात। हे मिठाईची मांग आम्हाला पूर्ण विदर्भ महाराष्ट्रमधून येऊन राहिली आहे आणि ऑर्डर पण आलेले आहे। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी दिवाळीनिमित्त मिठाई खरेदी करायला अमरावतीतील प्रसिद्ध रघुवीर, फक्त अमरावतीतच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेल्या अमरावती येथील रघुवीर या दुकानामध्ये मी मिठाई खरेदी करायला आलो। आज यावर्षी नवीन मिठाई बघत असताना मला सुवर्ण कलश या मिठाई नवीन बनलेली इथे दिसली। त्याचा रेट विचारला असता ते 11,000 रुपये किलो त्यांनी सांगितला। 11,000 रुपये किलो म्हटल्यानंतर विशेष काय असं विचारणा केली असता त्यांनी सांगितलं की याला 99% शुद्धता असलेलं सुवर्णाचं वर्क लावून ही मिठाई विथ केशर बनवण्यात आलेली आहे। मी डॉक्टर असल्यामुळे मला सुवर्णाचे सर्व प्रकारचे फायदे माहिती आहेत।
त्याने आपली प्रतिकार शक्ती वाढते आणि त्याचप्रमाणे मेंदूसुद्धा चांगला तल्लक होतो. त्यामुळे फक्त सुवर्ण आणि मिठाई हा दुग्ध शर्करा योग आणण्याच्या निमित्ताने महाग जरी असली तरी थोड्या प्रमाणात मी घरी ही मिठाई घेऊन जाणार आणि आपल्या परिवारांचंही प्रतिकार शक्ती वाढवणार. ज्याप्रमाणे मी ही मिठाई खरेदी करून घरी घेऊन जाणार आहे त्याचप्रमाणे आपण सर्वांनी सुद्धा ही खरेदी करावी. बघतो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटेसे ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अतुल लोंढे ने केंद्र सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल में देश में नशीले पदार्थों का प्रत्यक्ष और परोक्ष उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है. ऐसे में सरकार ही खुद देश के युवाओं को नशे की लत लगा रही है. केंद्र सरकार क्या अब उड़ता भारत करेगी, ऐसे आरोप नागपुर में आयोजित पत्र परिषद में उन्होंने लगाए. कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की कड़ी आलोचना की. उन्होंने गुजरात में मुंद्रा ड्रग्स मामले पर भी कई सवाल उठाए. मुंद्रा बंदरगाह पर मिली करोड़ों की दवा, मुंबई में क्रूज पार्टी मामले के लिए सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है. जब वे पंजाब में सत्ता में थे तो उन्होंने पंजाब को उड़ता हुआ पंजाब बना दिया. अब उनके पास केंद्र में सत्ता है तो क्या वे भारत को भी उड़ता भारत बनाएंगे, ऐसी भी तेज टिप्पणी की. सभी मामलों में एक इनोवा कार है, वाहन रविंद्र कदम के नाम से मिला और उसका पता कराड़ का है. ट्रेन गुजरात गई थी, वही इनोवा एनसीबी ऑफिस के लिए थी. यह इनोवा वहां कैसे पहुंची इसका पता लगाया जाना चाहिए. जब हमने उस वाहन की तलाशी ली जिसका नाम पंजीकृत है, लोंढे ने कहा कि उन्हें कराड़ का पता मिल गया, लेकिन रविंद्र कदम उस पते पर नहीं रहते हैं. इस देश में बड़ी संख्या में नशीले पदार्थ आए और इन नशीले पदार्थों को छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम घाट की स्थापना कर लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया. मुंद्रा से लेकर एनसीबी तक सभी तार जुड़े हुए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े और रविंद्र कदम, सुनील पाटिल गोसावी और भानुशाली की गिरफ्तारी के बाद यह सब सामने आएगा. सितंबर को मुंद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ का 3,000 किलो का 22 सितंबर को किरण गोसाई, मनीष भानुशाली गुजरात में जाकर आते हैं. जो गाड़ी रविंद्र कदम के नाम की है गुजरात में ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, वही गाड़ी एनसीबी में इस्तेमाल होती है. सैम डिसूजा का कहना है कि 50 लाख की लेन देन उसी में हुई है. कोई 50 करोड़ कहता है, कोई 25 करोड़ कहता है, कोई 18 करोड़ कहता है. और इन सारे लोगों जो इनमें इन्वॉल्व है, चाहे वो मनीष भानुशाली हो, किरण गोसावी हो, सैम हो, फ्लेचर हो, ये सारे लोगों जो है, मतलब मनीष भानुशाली की गोसावी, इन सारे लोगों के फोटोग्राफ्स जो है, वो फोटोग्राफ्स बीजेपी के नेताओं के साथ दिखते जो मैंने आपके साथ शेयर किया. ये घटनाक्रम जो है, ये घटनाक्रम सीधा सीधा दिखता है, बाकी सारी चीजें मलिक जी ने रखी है. लेकिन रविंद्र कदम और यादव, इनकी कोई चौकसी नहीं हुई है. ये गाड़ी कराड़ की है, जहां से खरीदी गई है, जहां का उसका पता है, वो सारा हमने आपके साथ शेयर किया है. वहां पर रविंद्र कदम नाम के कोई इंसान रहते नहीं. हमने हमारा आदमी वहां भेजकर इंक्वायरी की है, वो मिला नहीं. हमारा ये कहना है कि इतना बड़ा, इतने बड़े पैमाने पर अगर ड्रग्स देश में आता है तो जिस तरह से भाजपा की सत्ता पंजाब में थी तो वहां पर उन्होंने उड़ता पंजाब किया था, तो इतना बड़े पैमाने पर ड्रग्स आने के बाद क्या ये उड़ता भारत करना है? भारत के देश के युवाओं का भविष्य अंधेरे में है.
जिसके खिलाफ हमने जंग शुरू। वर्धा में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में बीजेपी ने आक्रोश आंदोलन किया। ठाकरे सरकार द्वारा कोई भी वादे पूरे ना करने पर ठाकरे सरकार का जाहिर निषेध किया गया। ठाकरे सरकार के विरोध में वर्धा जिले के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में भाजपा द्वारा आक्रोश आंदोलन किया गया। इस दौरान तिघाड़ी सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। कोरोना काल में ठाकरे सरकार ने नागरिकों को आश्वासन दिया था कि बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा, लेकिन इस सरकार ने बिजली बिल लिया लेकिन यूनिट भी बढ़ा दिया। वहीं किसानों को भी नुकसानग्रस्त फसल का मुआवजा नहीं दिया गया। संकट में फंसे किसानों की दिवाली ठाकरे सरकार की वजह से काली रहेंगी। इन सब बातों का विरोध करते हुए भाजपा ने आंदोलन किया और महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। त्याहीपेक्षा भयंकर निराधारांची समस्या आहे की ज्यांचं उपजीविका केवळ सरकार जे मानधन देतं निराधारांना श्रावणबाळ योजनेअंतर्गत, काही म्हातारे लोक आहेत तर त्यांची उपजीविका केवळ त्या मानधनावर आहे। तर आता रस्त्यामध्ये जे इथले दोन तीन निराधार, तर त्यांनी म्हटलं की आमच्या घरी दिवाळीसाठी काहीही आमच्याजवळ पैसे नाही आहे। त्याचनंतर जे शेतकरी आहे, शेतकरी वर्ग आहेत, सरकारने सांगितलं की आम्ही दिवाळीच्या पूर्वी मदत जाहीर केली, दिवाळीच्या पूर्वी शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये आम्ही पैसे जमा करू, परंतु त्या शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये सुद्धा अजूनही कसली रक्कम जमा झाली नाही। आणि या जो ओला दुष्काळ या महाराष्ट्रामध्ये पडला, तर शेतकऱ्यांची स्थिती इतकी भीषण आहे की शेतकरी आज देशोधडीला लागला असं चित्र आज दिसतं आहे। हे सरकार जे आहे, हे शेतकरी असो, कष्टकरी असो, कामकरी असो, या सर्वांच्याच विरोधातलं असं सरकार आहे। म्हणून आम्ही या सरकारचा या ठिकाणी जाहीर निषेध आज केलेला आहे। त्रिपुरा में दंगाइयों द्वारा मुस्लिम कब्रिस्तान मदरसा को तोड़ने के विरोध में नागपुर में मुस्लिम भाइयों ने आंदोलन किया। इस दौरान संविधान चौक पर सैकड़ों मुस्लिम बंधु उपस्थित थे। कुछ दिन पहले त्रिपुरा में दंगाइयों द्वारा मुस्लिमों का कब्रिस्तान, मदरसा, उनकी दुकानें साथ ही कई जगह जमकर तोड़फोड़ की गई थी, जिस वजह से बड़े पैमाने पर मुस्लिमों का नुकसान हुआ। इसी के विरोध में नागपुर में संविधान चौक पर मुस्लिम संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों मुस्लिम बंधु उपस्थित थे। पिछले दिनों त्रिपुरा के अंदर में जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटीज़ पर जुल्म किया गया, हमारी मस्जिदों को तोड़ा गया, हमारे खानकाहों को तोड़ा गया, हमारे कब्रिस्तान को तहस नहस किया गया, हमारे मदारिस को तोड़ा गया, हम इसकी मजम्मत करने के लिए आज तमाम नागपुर शहर के जिम्मेदारान नौजवान जो इस आग में अपने आप को दिल में जिसकी जलन महसूस कर रहा है, वो आज यहाँ मौजूद है। इसलिए हम यहाँ हाजिर हुए और सरकार से ये डिमांड करने के लिए कि हमें ये मत समझो, मजलूम मत समझो, हम जब अपनी औकात पे आ जाएंगे तो तुम्हारी तख्ते पलट देंगे। इसलिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं कि चाहे हिंदुस्तान के अंदर में, भारतवर्ष के अंदर में कहीं भी किसी मुसलमानों के साथ जुल्म होगा, इंशाल्लाह हम तमाम लोग इकट्ठा होकर उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और सरकार से अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखने के लिए हम यहाँ हाजिर। भंडारा जिले के लाखांदूर में एक जंगली सुअर का शिकार करने के चक्कर में मादा तेंदुए की कुएं में गिरकर मौत हो गई। भंडारा जिले के लाखांदूर में एक जंगली सुअर का शिकार करने के चक्कर में एक मादा तेंदुए की कुएं में गिरकर मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बताई जा रही है, जिसमें लाखांदूर वन परिक्षेत्र के दिघोरी उपवन क्षेत्र के मौजा पार्टी परिसर में 2 से 3 दिन पहले एक जंगली सुअर का शिकार के दौरान 2 साल की मादा तेंदुआ कुएं में गिर गई, जिसकी जानकारी 2 दिनों बाद पता चलने पर और परिसर में बदबू फैलने पर इस घटना का पता चला। इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद मादा तेंदुए का पोस्टमार्टम करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया गया। मी नदीम खान, मानद वन्य जीव रक्षक, भंडारा जिला। आज सकाळी पारडी गाव जे लाखांदूर वन परिक्षेत्रात आहे, तिथल्या एका शेतात एक बिबट्याचं मृत शरीर एका विहिरीत तरंगताना एका शेतकऱ्याला दिसून आलं। शेतकऱ्यांनी वन अधिकाऱ्यांना फोन केला, त्याच्यानंतर भंडारा मानद वन्यजीव रक्षक मी स्वतः आणि शाहिद खान आम्ही दोघेही भंडाऱ्याचे जे DCF आहेत, उपवन संरक्षक भलावी साहेब, यांच्यासोबत घटनास्थळी जाऊन आलो। घटनास्थळी असं दिसून आलं आहे की आम्हाला वाईल्ड बोर म्हणजे रानडुकराचे तिथे पगमार्क, पायाचे खुणा दिसून आल्या, सर्वत्र पोखरून ठेवलेलं होतं काही ठिकाणी रानडुकरांनी।
आणि त्या बिबट्याचे सुद्धा पगमार्क तिथं दिसून आले. याच्यावरून तो बिबट कदाचित त्याच्या पाठलाग करत एका शेताच्या धुरावरून त्या विहिरीत पडला असावा. विहिरीला कठडे आहे, पण ते कठडे जास्त हाईटचे असूनही धुराच्या हाईटच्या बरोबरीचे असल्यामुळे कदाचित तिथं तो पडून कदाचित 2 ते 3 दिवस तो असावा. त्यांनी खूप प्रयत्न केले वर येण्याचे आणि सगळ्या बाजूला त्याचे पगमार्कचे आणि नाकांचे निशाण आहे, पण तो त्याच्यात अयशस्वी ठरला. आणि 2 ते 3 दिवसानंतर आज गावकऱ्यांना ते लक्षात आलं, शेतकऱ्यांना ते लक्षात आलं आणि आज त्याला मग बाहेर काढून त्याचं पोस्टमॉर्टम करून शेवटी अग्नीच्या सुपूर्त करण्यात आलं. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.